हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज आपके लिए मैं 10,000 से 20,000 के प्राइस पॉइंट में जो भी बेस्ट टैबलेट्स अवेलेबल हैं उनकी एक लिस्ट लेकर आया हूँ। पूरी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, उनकी स्पेसिफिकेशन वगैरह बताऊँगा, बेसिक वगैरह उनके बेसिक स्पेसिफिकेशन आपको क्लियर करूँगा, तो आप फिर चूज़ कर लीजिएगा कि आपके लिए कौन सी टैबलेट बेस्ट है 10,000 से 20,000 के प्राइस पॉइंट में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले टैबलेट की बात करें जो कि आपको 11,000 की प्राइस में मिल जाएगी, वो है सैमसंग की तरफ से आने वाली सैमसंग गैलेक्सी टैब 8A 8.0। ये टैबलेट काफी अच्छी टैबलेट आपको देखने को मिल जाती है 11,000 की प्राइस पॉइंट में। इसमें आपको LTE सर्विस देखने को मिल जाती है, यानी कि आप कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं, 4G सिम जियो का लगा सकते हैं इस टैबलेट में। और बाकी कुछ बेसिक स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको 8 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, ये HD+ रेजोल्यूशन के साथ आती है। और बाकी इसमें बैटरी 5100mAh की देखने को मिल जाती है और 2GB की रैम और 32GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ ये टैबलेट किन लोगों के लिए। दोस्तों ये टैबलेट वो लोग लें जिनको बेसिक काम के लिए अपनी टैबलेट चाहिए, फॉर एग्जांपल PDF रीडिंग के लिए या वीडियो वगैरह देखने के लिए यूट्यूब पर, या फिर अपना नॉर्मल टास्क लाइक व्हाट्सएप वगैरह। ये गेमिंग के लिए टैबलेट बिल्कुल नहीं बनी, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं। वैसे इसमें 2 GHz का प्रोसेसर है लेकिन फिर भी ये गेमिंग के लिए टैबलेट नहीं है, ये आपको नॉर्मल काम काफी अच्छे से कर देगी, उसी के लिए टैबलेट बनी हुई है। अगर आपको दोस्तों सैमसंग की टैबलेट्स नहीं लेनी है तो आप एक टैब और कंसिडर कर सकते हैं जो कि आती है लिनोवो की तरफ से। इसकी भी प्राइस 11,000 है। ये आपको इसमें कुछ खास फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसमें एक आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि है आपकी 10.1 इंच की, जो कि HD+ डिस्प्ले है। तो इसमें आपको डिस्प्ले काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाती है। और कुछ चीज़ों की बात करूं मैं इसके प्रोसेसर वगैरह, तो इसमें स्नैपड्रैगन का 429 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और आपको 2GB की रैम और 32GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं ये टैबलेट किन लोगों के लिए, तो ये आप कोई भी ले सकता है। इसमें आपको ड्यूअल बैंड वगैरह का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन फिर से मैं एक चीज़ कहूँ, ये टैबलेट भी गेमिंग के लिए नहीं है, बट इसमें ये आपका एडवांटेज है कि आपको एक बड़ी स्क्रीन देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छे से आप वीडियो वगैरह का मजा उठा सकते हैं और काफ़ी PDF वगैरह रीडिंग में काफ़ी कंफर्टेबल फील हो जाएगा इसमें। तो इसमें आपको एक बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 10.1 इंच की, कंपेयर टू सैमसंग की जो आपको 8 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर इसमें बेसिक है, बेसिक आपके सारे काम अच्छे से कर देगा, गेमिंग के लिए नहीं है। तो दोस्तों आपको 11,000 की प्राइस पॉइंट में ये दो टैबलेट आपको देखने को मिल जाती है। बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं 15,000 की प्राइस पॉइंट के आसपास जो टैबलेट देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर दो टैबलेट्स काफी पॉपुलर है मार्केट में इस टाइम, जो कि एक लिनोवो टैब M10 FHD रैल। इसके भी डिफरेंट वेरियंट्स आते हैं कि 4G वाला, उसकी प्राइस 1-2 हज़ार रुपये ऊपर नीचे होती है, तो वो आप चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जो हम एक मेन वेरियंट की बात करते हैं वो है लिनोवो टैब M10 FHD रैल वाईफाई वाला, तो वो आपको 15,000 में देखने को मिल जाता है। इसकी स्पेक्स की बात करूँ तो इसमें आपको एक 10.3 इंच की एक फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 7,000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी बढ़िया बैटरी लाइफ और आपको प्रोसेसर भी काफ़ी एफिशिएंट है और डिस्प्ले भी काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा पैकेज है, तो आप इस टैबलेट को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें 3GB की रैम देखने को मिलती है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज और आपको मेमोरी कार्ड वगैरह एक्सपेंसिव स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो इसमें आपका फायदा ये है कि आप इसमें मेमोरी कार्ड को एज ए इंटरनल स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं, तो ये काफी बढ़िया इसमें फीचर देखने को मिल जाता है। अगर आप इस टैबलेट का फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो मैं आपको आई कार्ड में लिंक दे दूंगा या फिर मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी टैब को बात करूं तो वो है सैमसंग की तरफ से आने वाली टैब A10.1। ये टैबलेट भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया है, ये गेमिंग के लिए भी है, इसका प्रोसेसर काफ़ी बढ़िया है, लेकिन दोस्तों इसमें एक कमी है, इसमें आपको 2GB की रैम देखने को मिलती है जिसकी वजह से आप मल्टीटास्किंग वगैरह इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। लिनोवो की टैब में 3GB की रैम देखने को मिलती है, तो उसमें मल्टीटास्किंग वगैरह काफ़ी अच्छे से हो जाती है। इसमें आप बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप जो मल्टीटास्किंग वगैरह है वो इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे सैमसंग की टैब में, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें जो प्रोसेसर है वो काफ़ी पावरफुल है, वैसे उसमें कोर्टेक्स A73 की दो कोर्स हैं, तो उसकी मदद से आप गेमिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं अगर आप नॉर्मल कोई इसमें गेम चला रहे हैं। और जो लिनोवो की टैब M10 FHD रैल है उसमें आप बेसिक गेमिंग कर सकते हैं, ये समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल लो ग्राफिक्स में सेटिंग्स में गेम करनी पड़ेगी तभी आपकी गेमिंग अच्छे से होगी, वरना ओवरऑल ये बेसिक काम तो काफ़ी अच्छे से निपटा देती हैं दोनों टैबलेट। तो ये दो टैबलेट आपको 15,000 की प्राइस पॉइंट
देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों आगे बढ़े तो एक न्यू टैबलेट लॉन्च हुई है जो कि सैमसंग की तरफ से आने वाली है, उसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 जो कि लॉन्च हो चुकी है। इसमें आपको 10.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में काफ़ी बढ़िया है, TFT पैनल है बट डोंट वरी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है उसकी। और कुछ चीज़ों की इसमें बात करें तो आपको प्रोसेसर जो देखने को मिलता है वो स्नैपड्रैगन का 662 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 662 काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है, काफ़ी एफिशिएंट प्रोसेसर है, आपकी बैटरी लाइफ वगैरह काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी इस टैबलेट में। और इसमें 7040 एमएएच की बैटरी देखने को मिलती है और 1 TB तक आप एक्सपेंडेबल स्टोरेज अपनी मतलब मेमोरी कार्ड लगाकर इसमें मेमोरी बढ़ा सकते हैं। और बाकी कुछ चीज़ों की बेसिक बात करें तो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और नॉक्स की सिक्योरिटी वगैरह देखने को मिल जाती है। तो ये टैबलेट वन ऑफ द बेस्ट टैबलेट अवेलेबल है जो कि 18,000 की प्राइस पॉइंट में है। इस टैबलेट में आपको वाईफाई वाला वेरिएंट देखने को मिलता है। ये इस 10,000 से 20,000 की प्राइस पॉइंट में अगर किसी को टैबलेट चाहिए तो ये बेस्ट चॉइस है जो कि अभी सैमसंग ने हाल ही में लॉन्च की है। इसकी फुल स्पेसिफिकेशन आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो चैनल पर इसका भी जो स्पेक शीट है वो अपलोड हुई है, तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने उसमें अपना ओपिनियन वगैरह दिया, तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों यही सब अभी टैबलेट्स अवेलेबल थी सैमसंग की और लिनोवो की जो कि बेस्ट आप खरीद सकते हैं 10,000 से 20,000 की प्राइस पॉइंट में। अब आप लोग सोच रहे होंगे और टैबलेट्स नहीं है क्या? दोस्तों और टैबलेट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि हुआई की या फिर ओनर वगैरह की टैबलेट्स अवेलेबल हैं, बट उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि मैंने अभी नोटिस किया, कुछ पे लिखा हुआ है साफ साफ यू कैन नॉट यूज़ गूगल प्ले सर्विसेज। तो ये प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर उसमें गूगल प्ले दोस्तों उसमें आपको जैसे कि मैंने बताया कि प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलता, इसी कारण मैंने रिकमेंड नहीं किया क्योंकि बिना प्ले स्टोर के कोई फ़ायदा नहीं है टैबलेट्स वगैरह में। मेरे आपको ऐप्स वगैरह डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आएंगी, सिक्योरिटी कंसर्न अलग से हैं, तो ये सब चीज़ें। इसलिए आप लिनोवो या फिर सैमसंग में से ही कोई टैब ले सकते हैं अपने प्राइस के, जो भी आपकी प्राइस पॉइंट आपने रखा हुआ है, आपके पास जितने पैसे खर्च कर सकते हैं तो उसी हिसाब से। वरना जो सबसे बेस्ट टैबलेट, अगर आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं 10,000 से 20,000 के प्राइस पॉइंट में, तो आप मेरी माने तो सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 ले सकते हैं। काफ़ी बढ़िया टैबलेट है सैमसंग की तरफ से, इसमें सारी चीज़ें आपको अच्छे देखने को मिल जाती है, गेमिंग भी आप मीडियम ग्राफिक्स में कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये टैबलेट की बात हुई। दोस्तों यही सब टैबलेट्स थी जो कि मैं आपको शेयर करना चाहता था। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने।